हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू इंग्लिश कोच, माय नेम इज अशोक कुमार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और उनके आंसर कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने और उनका आंसर देना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पाते और उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते तो आप फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो कि पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और उनका रिप्लाई कैसे किया जाता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चंस बना पाओगे। अगर पास्ट सिंपल टेंस में कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसका आंसर कर पाओगे। वीडियो को आखिरी तक देखिए, किसी भी पॉइंट को मिस मत करें। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे और उनका ठीक से जवाब भी नहीं दे पाओगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और उनका रिप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस नहीं बना पाते तो इंग्लिश बोलने में और लिखने में आपको डिफिकल्टी होती है और पास्ट सिंपल टेंस वैसे भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चन बड़े आराम से बना पाओगे और उनका जवाब भी दे पाओगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप पास्ट सिंपल टेंस को दोबारा सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस को बड़े अच्छे ढंग से सिखाया है और वहां से आप सीख कर दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने केवल चार टाइप के सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। तो पास्ट सिंपल टेंस, उसकी पहचान आ ए ई ता था ती थी ते थे। साधारण वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वाक्य नेगेटिव हो जाए, नहीं वाला हो जाए, इंटरोगेटिव हो जाए, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब डिड की जरूरत पड़ेगी और डिड के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए नियम क्या है सेंटेंस बनाने का। अगर आप साधारण वाक्य बनाओगे तो आपको सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट, डिड नॉट और ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है, इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम डिड को शुरू में लेके आएंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाना है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हम डिड को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमें नॉट लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले वाक्य कैसे बनेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड है उसको हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे क्योंकि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बना पाएंगे। अब दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में बना सकते हो। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हीं सेंटेंसेस की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य बना सकते हैं। रूल आपको समझ में आ गया है। अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया है तो आप बड़े आराम से इसको बना पाओगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, रमेश ने कुर्सी तोड़ी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये वाक्य किस टाइप का है। ये सिंपल वाक्य है तो हम क्या लिखेंगे, रमेश। और सिंपल वाक्य का रूल क्या है दोस्तों, सिंपल वाक्य में हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों ये ध्यान में रखिए, सेकेंड फॉर्म। सिंपल वाक्य में हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, रमेश चेयर, रमेश ब्रोक द चेयर, रमेश ने कुर्सी तोड़ी। अब नेगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे, रमेश। अब नेगेटिव का रूल देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का, रमेश डिड नॉट ब्रेक द चेयर, रमेश डिड नॉट ब्रेक द चेयर। अब देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव वाक्य, इंटरोगेटिव वाक्य में हम क्या करते हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डिड को शुरू में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, डिड को हम शुरू में लिखते हैं, क्योंकि ये क्या वाले वाक्य हैं। जब क्या वाले वाक्य आपको, जब क्या वाले वाक्यों से डील करना आपको पड़ जाए, किसी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है, तो हमें डिड से शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, डिड रमेश ब्रेक द चेयर, डिड रमेश ब्रेक द चेयर। अगर हमें यह कहना हो क्या रमेश ने कुर्सी नहीं तोड़ी, डिड रमेश नॉट ब्रेक द चेयर, क्या रमेश ने कुर्सी नहीं तोड़ी। ये बन गए दोस्तों हमारे इंटरोगेटिव। तो अब बात करेंगे दोस्तों, जो मेन जिसको हमें सीखना है, क्वेश्चन वाले वाक्य है।
जिसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्या क्यों कब इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे है, रमेश ने कुर्सी क्यों तोड़ी, रमेश ने कुर्सी क्यों तोड़ी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्यों शब्द है, क्यों, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, इंटरोगेटिव वर्ड। क्या है ये, इंटरोगेटिव वर्ड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड, राइट। तो डब्ल्यू एच फैमिली वाले वाक्य कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, और हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों, क्यों, राइट। तो इसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, क्यों से। पहले क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद रूल क्या है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या क्या लगाना है, डिड, फिर करने वाला रमेश, और वर्ब की ब्रेक द क्वेश्चन वर्ड। रमेश ने कुर्सी क्यों नहीं तोड़ी। आगे डब्ल्यू एच फैमिली का दूसरा रूल देख लिए, देख लीजिए, वाई डिड रमेश नॉट ब्रेक द चेयर। अब आप बना पाओगे, वाई डिड रमेश नॉट ब्रेक द चेयर, रमेश ने कुर्सी कैसे तोड़ी। अब कैसे की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, हाउ। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड रमेश ब्रेक द चेयर, हाउ डिड रमेश ब्रेक द चेयर। और रमेश ने कुर्सी कैसे नहीं तोड़ी, हाउ डिड रमेश नॉट ब्रेक द चेयर, हाउ डिड रमेश ब्रेक द चेयर, हाउ डिड रमेश नॉट ब्रेक द चेयर। एक एग्जाम्पल और दोस्तों हम देख लेते हैं, उसकी मदद से बहुत सी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अगर अगर हमें ये कहना हो, उसने पत्र क्यों लिखा, उसने पत्र क्यों लिखा, पत्र क्यों लिखा, उसने पत्र क्यों लिखा, बनाइए। अब सबसे पहले यहाँ पे क्यों की इंग्लिश आएगी, क्यों की इंग्लिश आ जाएगी वाई। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी क्या है, डिड शी, वाई डिड शी राइट, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड शी राइट अ लेटर, वाई डिड शी राइट अ लेटर। ओके, तुमने क्या सोचा, तुमने क्या सोचा। तो अगला सेंटेंस है हमारा, तुमने क्या सोचा। अब क्या बीच में आ गया दोस्तों, देखिए ध्यान से, आपको जो सीखने वाली चीज है, अब क्या आ गया, सबसे पहले में क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, व्हाट डिड, और फिर यू सोचना, थिंक, व्हाट डिड यू थिंक, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तो क्या क्या कहोगे, व्हाट डिड यू ईट। ओके, तो इसका आंसर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तुमने क्या खाया, तो क्या कहोगे, आई सेकेंड फॉर्म एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। इस तरीके से आप पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हो। दोस्तों हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल है, भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया, क्या भारत ने पाकिस्तान को हराया, क्या भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया, भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया, भारत ने पाकिस्तान को कैसे नहीं हराया, भारत ने पाकिस्तान को कैसे नहीं हराया। अब इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले कीजिए शुरू सिंपल सेंटेंस से, इंडिया, और हराना, हराने की इंग्लिश होती है डिफीट, डिफीट की सेकंड फॉर्म डिफीटेड, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। अब हमें यह कहना हो, इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं हराया, नेगेटिव सेंटेंस का रूल यूज कीजिए, इंडिया डिफीट पाकिस्तान, इंडिया डिड नॉट डिफीट पाकिस्तान। तो क्या भारत ने पाकिस्तान को हराया, डिड इंडिया डिफीट, डिड इंडिया डिफीट पाकिस्तान। अगर ऐसा बनाना हो, क्या भारत ने पाकिस्तान को नहीं हराया, डिड इंडिया नॉट डिफीट पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया। अब देखो कैसे हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड, बनाइए कैसे की इंग्लिश, हाउ डिड इंडिया डिफीट पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को कैसे नहीं हराया,
हाउ डिड इंडिया नॉट डिफीट पाकिस्तान, हाउ डिड इंडिया नॉट डिफीट पाकिस्तान। इस तरीके से आप नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट सिंपल टेंस में बना सकते हो बड़े आराम से। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हर एक चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए और पास्ट सिंपल टेंस को आप अच्छे से यूज कर पाओ। वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात जो समझने वाली है, इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए कि इसमें कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों हमारा, कहाँ। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी हमें, कहाँ की, क्योंकि रूल है हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी। और कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश क्या बनती है, वेयर, राइट, वेयर। उसके बाद देखिए क्या लगाते हैं, डिड, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। अगर कहना हो तुम कैसे आए। अब यहाँ पे भी आपको दोस्तों क्वेश्चन वर्ड ढूंढना होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों, कैसे। तो कैसे की इंग्लिश क्या बनेगी, हाउ, बनाइए हाउ। फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड, हाउ डिड यू कम, हाउ डिड यू कम, तुम क्यों आए, व्हाई, व्हाई डिड यू कम, व्हाई डिड यू कम, तुम कब आए, कब के लिए, व्हेन डिड यू कम। अब किसी से पूछ लो, पूछना हमें तुम कैसे आए, तो क्या हुआ, हाउ डिड यू कम, तुम क्यों आए, व्हाई डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम किसके साथ आए, विद हुम डिड यू कम, मैंने सोचा, आई थॉट, तुमने सोचा, यू थॉट, राम ने सोचा, राम थॉट, राम ने क्या सोचा, व्हाट डिड राम थिंक। अब अगर हमें ये कहना हो राम ने क्या देखा, राम ने क्या देखा, तो क्या बनाओगे इसकी इंग्लिश बनाइए, व्हाट डिड राम सी, व्हाट डिड राम सी, तुमने कल क्या किया, तुमने कल क्या किया। तो व्हाट क्या के लिए, व्हाट डिड हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यू डू, व्हाट डिड यू डू, बीता हुआ कल, यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ओके। वह कहाँ गई, वह कहाँ गई, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस सेंटेंस को बनाया था, वेयर डिड शी, वेयर डिड शी गो, Where did she go? तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, What did you see? What did you see? Okay. एक बात ध्यान में रहे दोस्तों, जब कोई आपको did लगाकर क्वेश्चन पूछे, अगर पॉजिटिव हो, कहने का मतलब, तो उसको आप सेकंड फॉर्म में आंसर कर सकते हो, तो आप उसको सेकंड फॉर्म में आंसर करिए। अगर उसका नहीं में जवाब हो, तो आप डिड नॉट लगाकर आंसर कर दीजिए। जैसे डिड यू सी माय पर्स, डिड यू सी माई पर्स, क्या तुमने मेरा पर्स देखा, नो नो आई डिड नो नॉट सी, नो आई डिड नॉट सी। अगर कहना हो यस आई सो योर पर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, सकारात्मक में है, इस तरीके से आप क्वेश्चन क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो ने आपको पास्ट सिंपल टेंस अच्छे से क्लियर करवा दिया है और आप पास्ट सिंपल टेंस को बड़े आराम से यूज कर पाओगे। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपका कहीं पे भी बेनिफिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश इंप्रूव कर पाएं और फराटेदार इंग्लिश बोल पाएं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।